यार दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो, गर्मा गर्म निकल रहे हैं राम लड्डू। इनका आप साइज देखोगे यार, ये काफी बड़े हैं। और हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल एट रिपीट। मैं हूं आपका होस्ट रवि गौतम, और आज मैं आया हूं दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में। वैसे तो सेंट्रल मार्केट जाना जाता है शॉपिंग के लिए, लेकिन जो यहाँ का स्ट्रीट फूड है वो भी काफ़ी फेमस है। उनमें से एक आज मैं ट्राई करने वाला हूँ, राम लड्डू। वैसे तो आपने जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पे खाया होगा, लेकिन जो यहाँ के राम लड्डू हैं उनकी बात ही कुछ और है। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं उस शॉप को और यहाँ पे लगने वाली भीड़ को, और क्या क्या फूड्स, क्या क्या आइटम्स इनके पास अवेलेबल है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये रही वो शॉप जिसकी मैं बात कर रहा था। आप लोग देख सकते हैं यार, यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है राम लड्डू के लिए। तो हम भी चलते हैं और खाते हैं। इन्होंने अपने शॉप का नाम ही देख सकते हैं आप, राम लड्डू फूड कॉर्नर लग दिया है। और भी बहुत कुछ है खाने के लिए। भैया ये क्या है? ये आलू चाट। ये आलू चाट है। आलू काफ़ी क्रंची लग रहे हैं यार देखने में, मज़ा आता। और इनका यार सारे बर्तन इतने बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा बिकता है ये, कि अगर ये छोटे में बनाएंगे तो यार ये ना बनाते ही रह जाएंगे। यहाँ पे और भी आइटम है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये गोलगप्पे हैं। और क्या क्या देते हो भैया आप यहाँ पे? गोलगप्पे हैं, दही बल्ले हैं। अच्छा, टिक्की वगैरह सब है। अच्छा, टिक्की तो मैंने आपको दिखाया है, जैसे कि यार टिक्की यहीं पे रखे हुए थे। तो चलिए आपको खा के टेस्ट बताते हैं। ये सारे आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ राम लड्डू दिखाओ, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे ट्राई करें। गर्मा गर्म निकल रहे हैं राम लड्डू। इनका आप साइज़ देखोगे यार, ये काफ़ी बड़े हैं। और इनका आप बर्तन भी देख सकते हैं, ये पतीला सा जो है काफ़ी बड़ा है। ये यहाँ पे कुछ बन के रखे हुए हैं पहले से। अभी तक यहाँ पे बहुत सारे थे, बट यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई कि वो सारे जो है एक ही बारी में निकल गए। ये भैया ने यहाँ पे मूली, और ये भैया क्या है, ये मूली के पत्ते वगैरह? मूली पत्ते। हाँ, मूली के पत्ते, मैं बोल रहा था ना मूली के पत्ते होते हैं, मानता ही नहीं मेरी बात। ओ यार भैया, ये हरी चटनी। भैया क्या क्या डालते हो इसमें? काफी मतलब गाढ़ी भी लग रही है। और धनिया, हरी मिर्च, काली मिर्च, सौंफ, ओके, कसूरी मेथी, मतलब इतना कुछ डाल देते हैं। गरम मसाले बहुत यार, ये देख के तो मजा आता है, बस गरम गरम आ जाए प्लेट में और इसे खाने लग जाए। तो चलिए अब हम खा लेते हैं। भैया को मैंने बोल दिया कि एक प्लेट हमारी लगा दीजिए, खाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों, ये मेरा एक प्लेट राम लड्डू आ गया, आप लोग देख सकते हो। ये 50 रुपये का है। इसका एक्चुअली मेरे को जो साइज़ है ना, नॉर्मल राम लड्डू से डबल लगा। तो 6 पीस हैं एक प्लेट में, आप कह सकते हो कि 12 पीस है अगर नॉर्मल से कंपेयर करते हो तो। और आप देख सकते हो इसमें यार, ये लाल वाली चटनी और हरी वाली चटनी से इसको पूरा इन्होंने भर दिया है, और मूली के जो पत्ते, धनिया वगैरह डलते हैं वो सब भी है। तो चलिए मैं खा के आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। एक नंबर जो तो लाल वाली चटनी है ना, वो काफ़ी टैंगी सा है, स्वीटनेस है उस चटनी में। और पुदीने की जो चटनी है, जो धनिया की चटनी है, वो उसमें एक अलग सा फ्लेवर ऐड कर रहा है। और इनके राम लड्डू बाकी काफ़ी सॉफ्ट है यार, काफ़ी सॉफ्ट है, और साइज़ में तो काफ़ी बड़े हैं। वाह, अल्टीमेट। जैसा कि ये दावा करते हैं कि ये बेस्ट राम लड्डू हैं, उस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। काफ़ी है यार, आप देख सकते हो, देखो साइज़ देख रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा राम लड्डू मैं पहली बार खा रहा हूँ। और जो ये मूली और ये धनिया वगैरह इन्होंने डाला हो ना, काफ़ी फ्रेश है, मतलब वो खाने से ही लग रहा है कि यार ये काफ़ी फ्रेश है। मेरे ख्याल से इन्होंने साग के पत्ते वगैरह भी इसमें डाले हुए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसको रेटिंग करूँ 5 में से, तो 4.5 बहुत ही सही है। लग सकता है आपको कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन 50 रुपीज़ ठीक है, टेस्ट और नाम की वजह से ये 50 रुपीज़ की वर्थ करता है। बाकी ये काफ़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी टेस्टी हो रहा है। मुझे लग रहा है एक प्लेट हमें और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैं अकेला खा जाऊँगा। और जो ये वीडियो शूट कर रहा है, ये भी काफ़ी देर से भूखा है, तो इसके लिए मैं अभी एक प्लेट लेने फिर से जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड था राम लड्डू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं अपना फूड खत्म कर लूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।